स्टार्ट। दुनिया के दूसरे कई समाजों की तरह भारत में भी यही माना जाता है कि किसी परिवार के लिए सबसे अच्छी खबर वह होती है जब वहाँ संतान जन्म लेती है। इस लिहाज से देखें तो 1 जनवरी को देश के जिन 67,385 परिवारों में किलकारी गूंजी, उनके लिए नया साल एक नई खुशी लेकर आया होगा। बेशक इसने उन्हें नई जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया होगा, लेकिन उन सब परिवारों की निजी खुशी से निकला यह संयुक्त आंकड़ा जब एक देश के रूप में हमारे सामने आता है तो एक अलग ही कहानी बनती है। यूनिसेफ ने 1 जनवरी को जन्म लेने वाले बच्चों के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनकी सबसे खास बात यह है कि उस दिन सबसे ज़्यादा बच्चों ने भारत में ही जन्म लिया। चीन का नंबर दूसरा है, लेकिन इस मामले में वह भारत से पीछे ही नहीं, बहुत पीछे रह गया। हर उपलब्धि गर्व करने लायक नहीं होती। इतने पीछे चले जाने पर हो सकता है चीन जरूर गर्व कर रहा हो। चीन की आबादी अभी भी भारत से अधिक है, लेकिन वह आबादी में वृद्धि की दर को भारत से लगभग आधा नीचे लाने में कामयाब रहा है। अगर हम दोनों देशों की आबादी में वृद्धि दर के ग्राफ को देखें तो चीन की सफलता को आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम 1970 के दशक से थोड़ा पहले देखें तो चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 3% के आसपास पहुंच गई थी, जबकि भारत की वृद्धि दर 2% से कुछ ऊपर थी। लेकिन पिछली लगभग आधी सदी में चीन ने जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करते हुए 0.6% तक पहुंचा दिया, जबकि भारत के मामले में यह दर 1.1% के आसपास ही टिकी हुई है। दुनिया भर में हुए आबादी के अध्ययन बताते हैं कि हर समाज में जनसंख्या के बढ़ने का एक पैटर्न होता है। आबादी का ग्राफ एक समय तक लगातार उठने के बाद गिरना शुरू होता है। इस समय भारत और चीन दोनों की ही आबादी गिरावट वाले दौर में है। फर्क इतना है कि भारत की जनसंख्या में यह गिरावट आबादी के गणित के हिसाब से हो रही है, इसलिए सुस्त और धीमी है, जबकि चीन में यह गिरावट के प्राकृतिक गणित को मात दे रही है, क्योंकि इसमें चीन की सरकारों के सघन प्रयास भी अपना असर डाल रहे हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आबादी नियंत्रण के मामले में जहां चीन कामयाब रहा है, भारत की नाकामी इसे मुंह चिढ़ा रही है। यूनिसेफ ने जो आंकड़ा दिया है वह एक दिन का है। इसे अगर हम औसत मान ले तो इस साल देश में 2,45,00,000 बच्चे पैदा होंगे, यानी करीब ऑस्ट्रेलिया की कुल जन्मा आबादी के जितने। यह मामला सिर्फ करोड़ों बच्चों के जन्म का ही नहीं, यह उनके लिए ज़रूरी संसाधन जुटाने की चुनौती का भी है। हमारी आबादी की सघनता दूसरे देशों के मुकाबले पहले ही काफ़ी अधिक है, और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में अगर यह आगे भी बढ़ती रहती है तो इससे पैदा होने वाली समस्याएं हमें कई तरह से परेशान करेंगी। हमारे लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है कि हम अपनी मौजूदा आबादी का पेट भरने में ही ढेर सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसके साथ ही यह चिंता की बात इसलिए भी है कि अब आबादी नियंत्रण की चर्चा भी देश में बंद हो चुकी है।